Hello, my dear students. Welcome to my period. And today we are going to see lesson number 3.4. This is a poem. The name of the poem is The Brook. And page number is 68. Okay. Now you can see the picture. What is this in the picture? What do you see in the picture? There is a water falling down. Isn't it? And there are trees, there is a mountain, hills are there, small hills are there, plants are there, isn't it? And there is a fish in the water, you can see the fish, isn't it? And the water is falling down from the top of the mountain and going down, isn't it? Now this is a brook. What is this called? This water falling from the mountain and from the top of the mountain and going down near the valley. This is called brook. This is called brook. This is not river. This is a brook. Jharna jise bolte hai na? Jharna. Brook means what? Jharna. Pani ka jharna. So, what does this brook do? I come from haunts of Coot and Hern. The brook is saying. Jharna kya bol raha hai? I come from haunts of Coot and Hern. Yani, main aisi jagah se aata hoon jahan pe kya bolenge? Coot and Hern. Coot and Hern ka matlab kya hota hai? Sorry. Sorry guys. जहां पे कूट एंड हर्न्स की तरह कूट एंड हर्न्स जैसे बर्ड्स जहां पे होते हैं ऐसी जगह से मैं निकलता हूं बहता हूं. आई मेक अ सडन सैली. सडन यानी क्विक. मैं क्या करता हूं? क्विक जर्नी करता हूं. जर्नी यानी बहना. यहां पे जर्नी का मतलब क्या है? बहना. तो मैं सडनली वहां से बहता जाता हूं. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्म. और फर्म कुछ प्लांट्स होते हैं उनके बीच में से मैं गुजरता हूं. टू बीकर डाउन द वैली. वैली यानी क्या? खाई. वैली यानी खाई यानी माउंटेन से लेकर हिल से लेकर वैली यानी खाई तक वो बहता रहता है. और वहां पे जाते जाते वो बहुत आवाज करते हुए जाता है. आपने देखा होगा जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो कैसी आवाज आती है ना? तो ऊंचाई से ये जो पानी है वो गिरता है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में ऊंचाई से पानी कैसे नीचे गिर रहा है. तो उसकी आवाज जो होती है ना, तो उसे बोलते हैं बीकर. बीकर डाउन यानी आवाज करते हुए वो नीचे आता है. बट 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लीप बिटवीन द रिजेस. 30 हिल्स में से मैं हरी डाउन यानी बहुत जोर से बहता हूँ. स्लिप बिटवीन द रिजेस और माउंटेन्स के बीच में से मैं ऐसे बहता जाता हूँ. बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन. 20-25 गांव और 20-25 टाउन के बीच में से मैं बहता ही जाता हूँ. एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस. और 50 यानी 50 ब्रिजेस जो है वहां से मैं निकलता हूँ गुजरता हूँ. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो. कहाँ तक बहता है ये झरना? फिलिप्स फार्म जो है वहां तक. जहाँ फिलिप्स फार्म है वहां तक ये झरना बहता रहता है. टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर. और वहां फिलिप्स फार्म के पास क्या है? एक रिवर है जो फुल ऑफ वाटर है, पूरी तरह से भरी हुई है. तो उससे जुड़ने के लिए ये झरना बहता है यानी ऊंचाई उसे बहते 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 वो एक नदी में जुड़ जाता है. फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. मेरे साथ कोई आए ना आए, कोई इंसान मेरे साथ हो ना हो, मैं तो बहता रहता हूं. मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूं. ऐसा इस स्टांजा का मतलब है. ठीक है, नाउ वी विल सी सेकेंड स्टांजा. I chatter over stony ways in little shops and tables. A
अब देखिए, चैटर यानी चैटिंग करना, बातें करना, और स्टोनी वेज यानी आपने देखा होगा पथरीला रास्ता होता है ना, क्योंकि पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच में से जाता है झरना, तो वहां पे पत्थर भी होते हैं, आपने देखा होगा गोल गोल पत्थर, चिकने पत्थर होते हैं, उस पर से वो आवाज करते हुए जाता है, क्योंकि पत्थर पे जब पानी गिरता है तो आवाज बहुत होती है, तो इस तरह से वो आवाज करते हुए जाता है, म्यूजिकल साउंड होता है, आपने सुना भी होगा झरने का बहना, आपने सुना होगा किस तरह की आवाज होती है। आई बबल इनटू एडिंग बेस, बेस यानी जिस जगह पे मतलब पानी होता है, और तीनों तरफ से उसका लैंड होता है, यानी इस तरह का वो पोर्शन होगा, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी, और यहाँ पे पानी पानी है सब, तो उसे बोलते हैं बेस। तो वहां पे भी मैं आवाज करते हुए जाता हूँ। आई बैबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स यानी वो जो स्टोन्स होते हैं चिकने वाले, उनके ऊपर भी मैं आवाज करते हुए बहता हूँ। विथ मेनी अ कर्व माई बैंक सेपरेट, मेनी अ कर्व, बहुत सारे कर्व लेते हुए, यानी झरना जब बहता है वो सीधा बहता है क्या? नहीं, कभी इधर से कभी उधर से कर्व इसमें वो बहता रहता है। बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो, बाय मेनी अ फेरी फोरलैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो, फोरलैंड फेरी फोरलैंड परियों का देश बोलेंगे हम, है ना, परियों का देश, तो वहां से भी परियों का देश किसे बोला है, जैसे मिलो मेलो और विलो वीड बोला गया है ना, विलो वीड का मतलब क्या होता है, पानी के आजू बाजू में जो ट्रीज होते हैं ना, तो उसकी ब्रांचेस भी ऐसे लंबी लंबी और थोड़ी मतलब थीन ब्रांचेस उसकी होती हैं, और वो ऐसे हैंग हुई होती है, तो ऐसी जगह हो वो होती है जहाँ पे इस तरह के पेड़ होते हैं, तो वहां से भी मैं बहता जाता हूँ। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, इस तरह से मैं बातें करती हुए पेड़ों से, पौधों से, नदी के जो स्टोन से, उनसे, माउंटेन से, हर जगह मैं जाते जाते हर किसी से बातें करते हुए मैं बहता हूँ। टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, फिलिप्स फार्म में जो रिवर है वहां तक मैं ऐसे ही बहता जाता हूँ उस रिवर को जुड़ने के लिए। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, कोई मेरे साथ आए ना आए लेकिन मैं तो बहता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है बहना, है ना, झरने का काम ही रहता है बहना, वो कहीं पे एक जगह पे रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है। तो दिस इज सेकंड स्टैंजा, वी हैव सीन दिस टू स्टैंजाज ऑफ द पोयम इन दिस वीडियो, एंड देर आर टू मोर स्टैंजाज देयर, सो वी विल सी दिस टू स्टैंजाज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, हियर आई स्टॉप नाउ and I finish this video, first part of this video, okay, first part of the poem here. Thank you so much, have a nice day, bye bye.